एपिसोड 20, कौन सच्चा कौन झूठा। रात के 12:30 बज रहे थे पर वरुण अभी भी जाग रहा था। वैसे तो अपना ध्यान भटकाने के लिए वो गाना तो सुन रहा था, पर उसे अभी भी ये चिंता हो रही थी कि कहीं मिनी रोहन के साथ कुछ गलत न कर बैठी हो। तभी वरुण के मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था कि उसके अकाउंट में 30 लाख रुपए क्रेडिट किए हैं। वरुण तुरंत ही मिनी को कॉल लगाता है। वरुण अब मिनी को चिंता भरी आवाज में पूछता है, मिनी रोहन ठीक तो है ना, तुमने उसे कुछ किया तो नहीं? मिनी अपने चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल के साथ बोली, मैंने तो उस रोहन को कुछ नहीं किया, पर उसके पापा ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। ये बात जानकर वरुण थोड़ा शॉक हो जाता है। मिनी उसे बताती है कि कैसे वो जब रोहन के घर से निकल रही थी तब उसने उसके पीछे पीछे रोहन को उसके बैग के साथ घर से बाहर निकलते देखा था। ये सुनकर वरुण थोड़ा टेंशन में आ जाता है। वरुण मिनी से थोड़ी चिंता भरी आवाज में बोलता है, इतना कुछ हो जाने के बाद मुझे नहीं लगता है कि रोहन चुप बैठने वालों में से है। मिनी अब वरुण को एक वॉइस नोट सेंड करती है जिसमें रोहन ने अपनी सारी गलतियों को कन्फेस किया है। ये सुनकर वरुण बहुत ही खुश हो जाता है। वरुण मुस्कुराते हुए मिनी से कहता है, थैंक यू सो मच मिनी, तुमने मेरा इतना बड़ा काम कर दिया। अब ये ऑडियो मैं डिम्पल को सुनाकर उसे प्रूव करूंगा कि मैं बेगुनाह हूँ। रोहन के पापा ने उसे घर से निकालने से पहले उसके सारे बचे हुए कार्ड्स और अकाउंट्स फ्रीज करवा दी थी। वो नहीं चाहते थे कि रोहन उनके अकाउंट से पैसे निकालकर ऐश करे। इतना ही नहीं, उन्होंने रोहन की सारी कार्स और बाइक्स की चाबी भी अपने पास रख ली थी और ड्राइवर को स्पेशली इन्फॉर्म किया कि कोई रोहन को छोड़ने नहीं जाएगा। इसलिए रोहन बीच रात में अपना बैग कंधे पर लिए ऑटो या टैक्सी के लिए वेट कर रहा था। रोहन अब दिग्विजय को कॉल लगाकर उसे कहता है, दिग्विजय सुन, मैं अभी तेरे घर पर आ रहा हूँ। ये सुनकर दिग्विजय थोड़ा चौंकते हुए रोहन से पूछता है, अब क्या हुआ रोहन भाई, सब ठीक है? अब रोहन दिग्विजय को बोलता है कि उसके पापा ने उसे घर से निकाल दिया। वो दिग्विजय को उसके घर पर जो हुआ वो सब बताता है। ये सुनकर दिग्विजय मन ही मन मुस्कुराते हुए खुद से बोलता है, यही सही टाइम है दिग्विजय रोहन से अपने इंसल्ट का बदला लेने का। दिग्विजय रोहन के सामने दुखी होने का नाटक करते हुए उससे बोलता है, रोहन भाई अगर सिर्फ मैं और मम्मी पापा होते तो मैं आपको बेझिझक बुला लेता, पर आज मेरे घर पर गेस्ट आए हैं तो सब यहीं पर ठहरे हुए हैं। रोहन दिग्विजय को कई बार कन्विंस करते हुए कहता है कि वो कहीं भी एडजस्ट कर लेगा, पर दिग्विजय उसे गेस्ट का झूठा बहाना देकर इनकार कर देता है। ये सुनकर रोहन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो दिग्विजय का फोन काट देता है। इतनी रात गए रोहन को कोई ऑटो नहीं मिल रही थी। तभी उसके पास ही की रोड में एक बस स्टैंड के पास खड़े कुछ लोग दिखाई देते हैं। रोहन उस बस लाइन में खड़े एक आदमी से थोड़ा रूडली पूछता है, ओ अंकल ये बस कहाँ जाएगी? वो आदमी भी रोहन को उसी की एटीट्यूड में जवाब देते हुए बोलता है, बस तो सब जगह जाती है, तुमको कहाँ जाना है तुम वो बताओ ना। ये सुनते ही अंकल के आसपास खड़े लोग अब रोहन पर हंसने लगते हैं। ये देखकर रोहन को गुस्सा आता है और इसके पहले वो कुछ हंगामा करे वहां पर बस आ जाती है। रोहन उस बस ड्राइवर को पूछता है कि क्या वो बस तिलक नगर चौक जाएगी, और वो ड्राइवर रोहन की बातों में हामी भरता है। तिलक नगर चौक में और कोई नहीं बल्कि समर रहता है। बस तिलक नगर चौक आकर रुकती है और रोहन अब समर के घर पहुंच जाता है। रोहन को अपने घर के दरवाजे पर देखकर समर खुद थोड़ा हैरान हो जाता है। रोहन सीधा समर के घर के अंदर घुसे चला जाता है और उसके लिविंग रूम में बैग रख देता है। समर ने रोहन को थोड़े संकोच के साथ पूछा, रोहन भाई आपने बताया नहीं कि आप आ रहे हैं यहाँ? रोहन समर को मजाकिया अंदाज में बोलता है, अगर मैंने तुझे बताया होता कि मैं आ रहा हूँ तो शायद चांसेस थे कि तू भी मुझे दिग्विजय की तरह अपने घर में आने से मना कर देता, इसीलिए मैं बिन बताए ही आ गया। समर हिचकिचाते हुए रोहन की बात से इनकार करता है। वो रोहन से पूछता है कि रोहन इतनी रात को अपना घर छोड़कर क्यों आया था। रोहन उसे बोलता है कि वो घर छोड़कर नहीं आया बल्कि उसके पापा ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। रोहन अब समर को बोलता है, कल कॉलेज के बाहर वरुण को ऐसा मजा चखाना है कि वो कभी जिंदगी भर ना भूल पाए। वरुण की आंखें पूरी लाल थी। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वरुण पूरी रात सोया ही ना हो। वो अपने बेड पर लेटे हुए बस अपनी सीलिंग फैन को एक टक देखे जा रहा था। वो बार बार व्हाट्सएप पर डिम्पल का लास्ट सीन चेक करता था और उसे टाइम बस पिछले दिन सुबह 10 बजे का ही दिखता है। तभी उसके फोन पर 8 बजे का अलार्म बजता है। वरुण का आज कॉलेज जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर 3 दिन बाद उसके कॉलेज में सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट होने वाले थे और उसके कॉलेज के नोट्स इनकम्प्लीट थे, इसीलिए वो अपना मन मारकर जल्दी जल्दी कॉलेज जाने के लिए रेडी हो गया। ताजुब की बात यह है कि आज शिरीष और ऋषि दोनों वरुण से पहले ही कॉलेज जा चुके थे।
वरुण अब जैसे ही अपने हॉस्टल रूम से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि माया उसी की कॉरिडोर साफ सफाई में मदद कर रही थी। माया वरुण के पास जाकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, यू नो, किसी ने सही कहा है, इंसान भले ही खुद को लोगों के सामने कितना भी अच्छा दिखा ले, पर एक ना एक दिन उसके अंदर का सच बाहर आ ही जाता है। वरुण ने हंसते हुए माया से कहा, माया तुम्हें पता है लोगों का भी यही कहना है कि कोई भी झूठ किसी भी इंसान से ज्यादा दिन छुप नहीं पाया, और हर झूठ बोलने वाले इंसान को अपनी सजा भुगतनी पड़ती है। जैसे कि तुमने मुझे झूठे मोलेस्टेशन केस में फंसाने की कोशिश की, जिसकी सजा अब तुम भुगत रही हो, ठीक वैसे ही रोहन को भी उसके किए की सजा कभी ना कभी मिलेगी, और उस दिन मैं तुम दोनों पर वैसे ही हंसूंगा जैसे आज तुम मुझ पर हंस रही हो। एंड यू नो व्हाट माया, फैशन डिजाइनर बनने से ज्यादा ये जॉब तुम्हारी पर्सनैलिटी को सूट करती है। ये बोलकर वरुण वहां से कॉलेज के लिए निकल जाता है, और माया बस जाते हुए वरुण को गुस्से से घूरती रहती है। वरुण जैसे ही अपने क्लास में एंटर करता है तो वो देखता है कि रोहन और गैंग आज कॉलेज नहीं आए थे। ये देखकर वरुण थोड़ी चैन की सांस लेता है, पर तभी वरुण की नजर ब्लैक बोर्ड पर जाती है, जहां पर कुछ लड़कियों ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, वरुण के साथ डेट पर जाना किसी भी लड़की के लिए हानिकारक हो सकता है। ये देखकर वरुण बहुत ही ज्यादा इंसल्टेड फील करता है और डस्टर लेकर बोर्ड पर लिखी हुई सारी चीजें मिटा देता है। वरुण अब पूरे क्लास को चिल्ला कर कहता है, हर वो एक इंसान इनोसेंट है जब तक उसे गिल्टी प्रूफ नहीं किया जाता, समझे ना तुम सब। वरुण की ये दहाड़ सुनकर क्लास के सारे बच्चे शांत हो जाते हैं। वरुण आकर ऋषि के बाजू में बैठ जाता है और ऋषि वरुण के कंधे पर हाथ रखकर उसे हौसला रखने को कहता है। अब फैशन ब्रांडिंग की टीचर क्लास में आकर अपना लेक्चर स्टार्ट करती है। अब थोड़े टाइम पहले जो क्लास में हुआ था उसे वरुण का माइंड बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था, जिस वजह से उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। वरुण डिंपल को मैसेज भेजता है, उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो आकर वरुण से मिले, क्योंकि उसे असली गुनहगार का पता चल गया है। वहीं दूसरी तरफ डिंपल अपने ग्रुप के साथ गाने का रियाज कर रही थी आने वाले इंटर कॉलेज सिंगिंग फेस्ट के लिए, पर शायद आज डिंपल का दिन भी अच्छा नहीं था। वो कभी सुर गलत पकड़ रही थी तो कभी गाने के लिरिक्स भूल रही थी। डिंपल के सिंगिंग गुरु को पता चलता है कि आज डिंपल का ध्यान किसी और बातों में विचलित है। गुरुजी डिंपल से पूछते हैं, क्या हुआ डिंपल, आज क्लास में ध्यान नहीं है तुम्हारा, कोई परेशानी है? डिंपल गुरुजी को बोलती है कि उसकी तबीयत आज ठीक नहीं है। ये सुनकर गुरुजी डिंपल को छुट्टी दे देते हैं। डिंपल अब अपने क्लास रूम से बाहर आकर अपना फोन ऑन करती है। डिंपल को वरुण का मैसेज दिखता है, जिसमें उसने डिंपल को 2 बजे उसके लंच ब्रेक के टाइम आकर उससे मिलने बुलाया था। डिंपल का अपने हॉस्टल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। डिंपल पास ही के एक कैफे में 2 घंटे वेट करती है। डिंपल वरुण को दी हंगरी कैफे आकर उसे मिलने के लिए कहती है। वहीं दूसरी जगह वरुण को डिंपल का ये मैसेज आता है। वरुण अब रोहन की इस बात को ज्यादा देर तक अपने अंदर दबाकर नहीं रख सकता था। अब क्लास की बेल बजती है, वरुण हड़बड़ी में अपना बैग पैक करता है और ऋषि को बिना कुछ बताए अपनी गाड़ी में बैठकर दी हंगरी फूड कैफे में मिलने चला जाता है। वरुण कैफे पहुंचता है पर डिंपल उसे कहीं नहीं दिखती। फिर जब वो गौर से देखता है तो डिंपल इस कैफे के किसी एक कॉर्नर में सिकुड़कर बैठी थी। वरुण अब डिंपल के सामने वाली सीट पर आकर बैठ जाता है। पहले 5 मिनट दोनों के बीच अजीब सन्नाटा पसरा था। डिंपल का चेहरा एकदम मुरझा गया था और ये देखकर वरुण के दिल में डिंपल के लिए चिंता बढ़ जाती है। वरुण डिंपल से चिंता भरी आवाज में पूछता है, डिंपल आर यू ऑल राइट? डिंपल वरुण से कुछ नहीं कहती और बस उसे साइलेंट ट्रीटमेंट देती है। वरुण अब बिना कुछ बोले डिंपल के सामने मिनी का दिया हुआ वॉइस नोट प्ले करता है। उस वॉइस नोट में रोहन अपनी गलती एक्सेप्ट करते हुए बोलता है, हाँ मैंने ही उस रूम में अपने दोस्त से कहकर स्पाई कैमरा लगवा दिया था। मैंने ही उन दोनों की फोटोज और वीडियोस पूरे कॉलेज में वायरल की, क्योंकि मुझे उस वरुण से अपनी हार के इंसल्ट का बदला लेना था। ये वॉइस नोट सुनते ही अब डिंपल जोर जोर से रोने लगती है। वरुण अपनी हमदर्दी जताते हुए डिंपल के कंधे पर हल्के से हाथ रखता है, पर डिंपल उसका हाथ झटक देती है। डिंपल अब रोते हुए वरुण से पूछती है, वरुण तुम दोनों की इस आपसी बदले में मेरा क्या कसूर था? मुझे किस चीज की सजा दे रहे हो तुम लोग? वरुण डिंपल को समझाते हुए बोलता है, डिंपल तुम्हारी गलती सिर्फ इतनी थी कि तुम मेरी दोस्त हो, और वो कमीना रोहन मुझे हर्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये सुनते ही मानो डिंपल के अंदर कहां से किसी माता की शक्ति आई, वो अपना आंसू पोंछते हुए वरुण से बोली, कोई भी मुझे अपना बदला पूरा करने के लिए ऐसे यूज नहीं कर सकता। डिंपल वरुण के मोबाइल से वो वॉइस नोट खुद को सेंड करती है और वहां से चली जाती है। डिंपल कैफे से बाहर निकलकर ऑटो में बैठकर वहां से चली जाती है। डिंपल रोहन को कॉल करके उस बैंड्रा में बैंड स्टैंड पर मिलने बुलाती है।
डिंपल जैसे ही रोहन की सेंड की हुई लाइव लोकेशन पर पहुंचती है तो वो देखती है कि एक जगह पर भीड़ जमा हुई है। डिंपल भीड़ को हटाकर आगे बढ़ती है तो देखती है कि कुछ 2-3 गुंडे मिलकर रोहन को मार रहे होते हैं। ये नज़ारा देखकर डिंपल एकदम डर जाती है। अब उनमें से एक गुंडा रोहन से कहता है, तो जितना अपना मुंह बंद रखेगा ना उसमें ही तेरी भलाई है। ये बोलकर वो तीनों वहां से चले जाते हैं और अब डिंपल भागकर जाके रोहन को एक खुली जगह पर बिठाती है। वो रोहन से जिद करती है कि उसे पुलिस स्टेशन जाकर इन गुंडों के खिलाफ कंप्लेन करनी चाहिए। ये सुनकर रोहन हंसते हुए बोलता है, केस किस पर? इन गुंडों पर या वरुण पर, जिसने इन गुंडों को भेजा है मेरा मुंह बंद करवाने के लिए। डिंपल को अब रोहन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो रोहन से बोलती है, तुम खामखा वरुण पर इल्जाम मत डालो, समझे ना? उसने मुझे तुम्हारा वो कन्फेशन वाला वॉइस नोट सुनाया है। अब तुम बोलोगे उसमें आवाज तुम्हारी नहीं है, राइट? रोहन अब हंसते हुए डिंपल से कहता है, डिंपल बेशक उसमें आवाज मेरी है, पर वरुण ने वो कन्फेशन मुझसे फोर्सफुली ली थी, इसलिए उसने तुम्हें सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी थी। अगर वीडियो भेजता तो उसका झूठ पकड़ा जाता कि उसने अपनी असिस्टेंट मिनी से मुझे और मेरे पापा को बहुत ही ज्यादा पिटवाया, फिर हमें धमकी देते हुए बोला कि अगर हम कन्फेस नहीं करेंगे तो वो मुझे और मेरे पापा को पूरे मीडिया के सामने इंसल्ट करेगा। मिनी का नाम रोहन के मुंह से सुनते ही डिंपल को यकीन हो जाता है कि रोहन सच बोल रहा होगा, क्योंकि उसने मिनी का ऑलरेडी असली रूप देख लिया था जब उसने कालू मामा का कत्ल किया था। डिंपल अब रोहन से बोलती है, वो वरुण समझता क्या है अपने आप को? उसे क्या लगता है कि वो अपने पैसों के दम पर किसी को भी ब्लैकमेल कर सकता है? मैं वरुण को इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगी। ये सुनते ही रोहन के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। जिस गुंडे ने रोहन को मारा था वो रोहन को कॉल करते हुए पूछता है, हमारे आज के काम का बचा हुआ पैसा आप हमें कब दोगे? क्योंकि डिंपल उसके साथ ही बैठी थी तो रोहन उसे कोड लैंग्वेज में बोलता है, मैं असाइनमेंट तुम्हें 2 दिन में सबमिट कर दूंगा, जिसका मतलब था कि रोहन 2 दिन में उन गुंडों के बचे हुए पैसे लौटा देगा। वरुण अनजाने में रोहन और डिंपल को एक दूसरे के करीब ला रहा था, और आगे डिंपल वरुण के साथ क्या करेगी जानने के लिए सुनते रहिए लक बाय चांस का अगला एपिसोड पॉकेट FM पर।